नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में, तुला राशि वालों। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी से आपके लिए खास अनुरोध करते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आपको ढेर सारी खुशियां दे, ढेर सारा संपदा दे, ताकि आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहें और तरक्की पर तरक्की करते जाएं। भगवान भोलेनाथ जी से मेरी इतना ही अनुरोध है। दोस्तों अब हो जाओ तैयार, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जी हां, बता दें कि यह खुशखबरी आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को खुश कर देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको 5 बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, वीडियो जो देखेगा वही पाएगा, बाकी सब पछताते रह जाएगा। जी हां, इसलिए दोस्तों सभी काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान की तरफ से बहुत बड़ा शुभ संकेत मिल चुका है, जो कि दोस्तों आपकी राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मित्रों जानकारी के लिए आप सभी को बताना चाहेंगे, ऐसा परिवर्तन बहुत दिनों बाद आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हम पूरी गारंटी के साथ लिख कर देते हैं कि अगले इन 24 घंटे के अंदर ये 5 बड़ी खुशखबरी अगर आपको नहीं मिला तो कहना, क्योंकि दोस्तों मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और गुरु शुक्र भी अपना बड़ा राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों अब आपके बिना मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, क्योंकि आपने अपने जीवन काल में मेहनत करते करते थक गए हैं, इसीलिए दोस्तों मेहनत आपने बहुत कर लिया, अब वह समय आ गया है जब आपके बिना मेहनत का फल मिलेगा। अगले 24 घंटे के अंदर 5 जगह से भारी धन लाभ होगा और 5 बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और यह खुशखबरी धन के मामले में भी खुशखबरी मिलेगी, नौकरी के मामले में भी खुशखबरी मिलेगी, रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय व अन्य सभी क्षेत्रों में खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी और लाभ ही लाभ होगा। देखिए दोस्तों, सभी लोगों के मन में एक सपना जरूर होता है कि उनका एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा परिवार हो और घर परिवार में हमेशा खुशहाली बना रहे। जी हां, यह सपना हर किसी का होता है और उसके लिए लोग यहां तक मेहनत भी बहुत करते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाती है और वह पैसा घर लेकर आती है, लेकिन वह पैसा घर आने के बाद कहां चला जाता है, क्या हो जाता है, जिसका पता किसी को नहीं चलता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, मेहनत का पूरा फल आपको मिलता है, भगवान उसे मेहनत का पूरा फल जरूर देते हैं, लेकिन यहां पर गलती आपका भी नहीं है और आपकी किस्मत का भी नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ नकारात्मक चीज, नकारात्मक दोष है, जिस कारण से आपके घर में ना ही वृद्धि होती है और ना ही रुपया पैसा आपके हाथ में टिकता है। तो क्या करने से, कौन से उपाय करने से इन सभी चीजों से छुटकारा मिलेगा और आप एक खुशहाल जीवन जी पाए, आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर पाए, तो उन सभी चीजों का समाधान आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और सच्चे दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखना है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त तो होगा ही साथ गुरु जी का भी आशिम कृपा, आप वह आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में करेगा ऐतिहासिक परिवर्तन। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आपकी बंद किस्मत के ताले का चाबी मिल चुका है, जो कि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपकी किस्मत ऐसी उड़ान भरेगी, ऐसी छलांग लगाएगी, जो कि दोस्तों आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, कुछ समय के लिए आपको भी भरोसा नहीं होगा, आप अचानक से क्या उठाएंगे, अरे मेरी तो किस्मत ही बदल गई, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है दोस्तों,
भगवान श्री शनिदेव महाराज जी ने आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमकने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जो भी बात आप सुन रहे हैं 100% सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और यह बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदलेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब होगा असली चमत्कार और अब होगा आपकी जिंदगी का, आपकी किस्मत का असली खेल शुरू। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपका बंद किस्मत के ताले का चाबी मिल चुका है और यह चाबी अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथों में होगी। दोस्तों अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से, तरक्की हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, क्योंकि आपकी राशि वालों का टूटी फूटी किस्मत भी चमकने वाला है। जी हां, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली में दो बड़े योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों यह योग भगवान श्री हरि विष्णु जी से संबंधित है। अगले 24 घंटे के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर, खुश होकर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और अगले इन 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आपके आंगन में दस्तक देने वाली है, प्रवेश करने वाली है। तो दोस्तों वह कौन सी खुशखबरी अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है, उसके लिए विशेष तौर पर क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान में रखकर कार्य करनी है, इस सारी बातें हमने आज की वीडियो में बताया है। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जो कि दोस्तों गांव गांव में तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके दुश्मनों का आंखों से नींद, चैन, भूख, प्यास सब कुछ गायब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही कुछ ऐसी है जो कि पूरे गांव शहर में आपका नाम की चर्चा होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें, जो लोग आपसे अच्छे से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपको व्यर्थ समझ रहा था ना, कामयाब समझ रहा था, वही लोग अब आपके पीछे पीछे घूमने वाले ही और आपकी सफलता का राज जानना चाहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको किसी से भी कुछ नहीं कहना है। यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फेंकी हुई उस ईंट को आशियाना बना लेना है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे और वह आज की तरह जल जल कर भस्म हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। जी हां मित्रों, जलने वालों को जलने दो, वह ऐसे ही जलते रहेंगे आज की तरह और आप ऐसे ही खेलते रहेंगे गुलाब की तरह, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ है, दुनिया का कोई भी ताकत आपका पीछा नहीं कर सकता। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले इन 24 घंटे के अंदर भगवान की तरफ से आपको बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जी हां मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ग्रहों की यह बदलता चला आप सभी के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। जी हां, और यह खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि वालों को मिलने वाला है। जी हां मित्रों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय जरूर निकले और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों यकीन मानिए, आज की यह वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी जीने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां, चलिए मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में करेगा बहुत बड़ा परिवर्तन। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी। जी हां, क्योंकि मित्रों आपकी जिंदगी में हो चुका है बहुत बड़ा बदलाव जिसका असर अगले इन 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि ऐसा परिवर्तन अगले 7 जन्मों में भी नहीं हुआ होगा। जो परिवर्तन अगले इन 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में होने वाला है, जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी उन्हें खुशी होती है, ढेर सारा लाभ होता है, तो कभी उन्हें दुख, तकलीफों का, मायूसी का सामना करना पड़ता है। जी हां, लेकिन अपने मन को छोटा ना करें, जिसका अच्छा समय चल रहा है उसका भी समय बदलता है और जिसका बुरा समय चलता है उसका भी समय बदलता है। फर्क बस इतना है, कोई खुशी से समय बीतता है तो कोई दुख तकलीफ से समय बीतता है।
मित्रों, जानकारी के लिए हमार सभी को बता दे, यह समय का पहिया है और यह बड़ा बलवान है कि घूमते रहता है। बस अपना फोकस अपने कम पर रखें और जो आपको चाहिए, जो चीज आपको प्राप्त करना है, उसी पर अपना फोकस बनाए रखिए। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं, पूरी गारंटी के साथ हम लिख कर देते हैं कि वह चीज आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर एक विचित्र घटना आपकी आंखों के सामने होगी। जी हाँ, और यह घटना आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वह वीडियो है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुराई आपकी किस्मत के दरवाजे को बार बार खटखटाएगी, लेकिन अच्छाई आपकी किस्मत के दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खटखटाती है। जी हाँ, उसी में आपको समझ जाना है कि आपकी जिंदगी बदलने का वक्त चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में 100% सटीक और संपूर्ण भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बिना कुछ किए ही अब आप राजा बनोगे। जी हाँ, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर सबसे बड़ी और महंगी संपत्ति हाथ लगेगी। जी हाँ, देखने वालों का भी होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले मात्र 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा बदलाव होगा जो कि दोस्तों आपको गरीब से सीधा अमीर बना देंगे। जी हाँ, एक तरफ से यूं कहें तो आपको राजा बना देंगे। जी हाँ मेरे प्यार मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर एक देवता आपके घर आने वाले हैं। जी हाँ, और यह देवता साक्षात ईश्वर है, लेकिन वो अपना भेष बदलकर आपके घर आने वाले हैं। जी हाँ, पहचान में गलती मत करना और ना ही धोखा खाना, क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि विधाता जी अब आपकी बिगड़ी किस्मत संवारेगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि कुंडली का लिखा कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर आज आपको जो संकेत देने वाले हैं, इन संकेतों को आपको पहचाना है। जी हाँ, और चाहे कुछ भी हो जाए, उन संकेतों को आपको फॉलो करना है, उन संकेतों को आपको अपने जीवन काल में अमल करना है, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई जानकर आपकी आंखें भी नमना हो गई तब कहना। और हाँ, अगर आपके अंदर सच्चाई सुनने की क्षमता हो, हिम्मत हो, तभी आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको वह सच्चाई बताने वाले हैं, उन चीजों से पर्दा हटाने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हो जाइए तैयार, कुछ गलतियां भी हैं, कुछ सावधानियां हैं, और वीडियो के बीच बीच में इंपॉर्टेंस और कुछ जरूरी बातें हैं, उन बातों को आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, आप अपने तकदीर को बदलना चाहती है, तो मेरे प्यारे मित्रों बस अंत तक देखना है और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं कि क्या करने से घर के नकारात्मक दोस्त दूर होगा। उसके लिए बहुत ही कारगर उपाय है नमक। जी हां, आप अपने घर में पोंछा तो हर रोज लगते ही होंगे, लेकिन शनिवार या फिर रविवार के दिन जब भी आप अपने घर में पोंछा लगती है तो पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगाएं और अपने बेडरूम में कांच के पत्र में यानी कि कांच के बर्तन में घेंघा नमक रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पोंछा लगाने के बाद कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को करने से घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इससे लाभ मिलता है। दोस्तों, उपाय बहुत ही कारगर है, चमत्कारिक है। इस उपाय में आपको रुपया पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार जरूर आजमाकर देखिएगा, लाभ ही लाभ होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कौन सी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। देखिए दोस्तों, आज प्रमोशन के योग बने हुए हैं। अगर आप नौकरी में हैं, किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो आज आपकी प्रमोशन हो सकती है। जी हाँ, और जो लोग प्राइवेट जॉब प्राइवेट नौकरी में हैं, उन्हें भी आज के दिन लाभ होगा, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्हें आज विशेष लाभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, करियर में सुधार होगा, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आज आपके घर धन
यानी कि लक्ष्मी आने के योग बन रहे हैं। आज आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि पैसों से संबंधित कोई अच्छी खबर आज मिलेगी। दोस्तों, अगले इन 24 घंटे के अंदर भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपका भाग्य परिवर्तन हो चुका है और आपकी किस्मत भी बदल चुकी है, जिससे कि दोस्तों भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। हमेशा की तरह अपने आप में धैर्य बनाए रखें और अपने कामों पर भरोसा रखें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने जीवन में उसे कम को कभी भी अपमान मत करना। जिस काम से आपका पेट चलता हो, जी कम से आपका घर परिवार चलता हो। जी हां, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम की इज्जत करना हमेशा आपके घर में बरकत होती रहेगी, चाहे कम कैसा भी हो। जब आप काम की इज्जत करते हैं तो काम भी आपका इज्जत करता है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ती है और खुशखबरी के मेन टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अगले दिन 24 घंटे के अंदर आपके घर में 2 बड़े मेहमान आने वाले। जी हां, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि देवों के देव भगवान महादेव जी और माता रानी पार्वती जी अपना भेष बदलकर आपके घर आने वाले हैं। जी हां, जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन पहचान में भूल मत करना। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर संभावना यह है कि आपके घर एक नन्हे मेहमान का अब आगमन होने वाला है, जो कि दोस्तों यह साक्षात माता रानी पार्वती जी होगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपकी राशि वालों के जीवन में यह खुशखबरी दस्तक देने वाली दूसरा जो खुशखबरी है, आपके लिए और भी अच्छा है, और भी तगड़ा है। जी हां, आपकी राशि वालों को आज मामा पक्ष से या फिर ससुराल पक्ष से बड़ा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, और अगर आपने किसी को कोई कर्ज दिए हैं, रुपया पैसा या फिर कोई अन्य चीज, तो आपको ठंडे दिमाग से कम देना होगा आज के दिन, क्योंकि संभावना है कि आपका वह कर्ज मिल सकता है अगर आप अपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। जी हां दोस्तों, आज जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि आज आपको जबरदस्त फायदा होगा। से जुड़ा हुआ कोई मसला लंबे समय से अटका हुआ था तो उसका समाधान मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने वाली है, क्योंकि धन के इनकम में बढ़ोतरी होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी। नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि आपके जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी नजरें आप पर बनी रहेंगी, लेकिन आज आप पूरे मेहनत से काम करेंगे, जिससे उनका भी सपोर्ट, उनका भी सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहले से कहीं ज्यादा लाभ होगा नौकरी में, बिजनेस व्यापार में, और अगर आप किसी चिट फंड में या लॉटरी सट्टे में रुपया पैसा लगाते हैं तो आज आप सोच समझकर लगाइएगा। लाभ तो होगा, लेकिन आपको सोच समझकर ही लगाना होगा, तब धन के इनकम में बढ़ोतरी होगी और आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। पहले ही अगर आपने कहीं पर धन निवेश किया था तो वहां से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आज आप व्यर्थ के प्रेम संबंधों से, व्यर्थ के बाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। अगर आज के दिन बाद विवाद हुआ तो वह तुरंत आगे बढ़ सकता है, मामला कोर्ट कचहरी हो सकता है। जी हां, इसलिए सावधान नहीं, आज के दिन अगर आपसे कोई गलत ही हो जाती है तो आप क्षमा मांगकर आप उसे वहीं पर तुरंत समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कामयाबी के सभी रास्ते खोलेंगे। जी हां, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत की एक नई किरण जग उठेगी। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर देवगुरु बृहस्पति छक्के छुड़ाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व समय अवधि में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है, आर्थिक तंगी के दौर को पिछले समय अवधि में झेला है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार चिंता आपके मन में बनी रही, मानसिक तनाव आपके ऊपर, रात घर परिवार स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रही जिस प्रकार से एक खुशनुमा परिवार का होना चाहिए था। तो दोस्तों हम आपको बता दें
कि पिछले समय अवधि में कई तरीके के दिक्कतें रही हैं, कार्य व्यवसाय को लेकर भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और जीवन में बहुत सारे उलझन का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बनने जा रही है, जिसके कारण आपकी जीवन शैली में परिवर्तन होगा। दोस्तों, भाग्य का साथ आपकी राशि वालों को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यह समय बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही लाभदायक समय है। आपके मन में सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। जी हाँ, और जब आपके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे तो अच्छी खासी सफलता भी मिलेगी। इस समय अवधि में काफी खुशनुमा परिणाम प्राप्त हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निश्चित रूप से आपके जीवन में कैसे तरक्की के योग देखने को बनेंगे और संपूर्ण रूप से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो आई बात करते हैं कि किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में कहीं ना कहीं काफी बेहतर सुधार नजर आ रहे हैं। जो घर परिवार में आपकी परेशानियां चल रही हैं, वह धीरे धीरे करके अभी समय अवधि में समाप्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से घर परिवार का माहौल आनंद नहीं बनेगा और खुशनुमा बनेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट के चेहरे से जुड़ा हुआ मामला चल रहा था या किसी भी प्रकार के घर परिवार में चल रही थी, तो दोस्तों अब वह सुलझती हुई नजर आएगी। परिवार में और स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होगी और परिवार वालों का अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी आर्थिक जीवन में एक बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। आमदनी के नए स्रोत आपके जीवन में बटे हुए नजर आएंगे। दोस्तों, धन कमाने के अवसर इस समय अवधि में आपको जरूर प्राप्त होगा। आप अपने घर परिवार में कुछ बड़ा परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। घर की साल सजा और घर के सुख सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए आप जरूर विचार करते हुए नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको बड़े बुजुर्गों का भी घर के अच्छा सहयोग मिलेगा। जो आपके माता पिता हैं, वह निश्चित रूप से आपको अच्छे सलाह देते हुए नजर आएंगे, आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में कार्य व्यवसाय को लेकर भी काफी अच्छी स्थितियां आपके जीवन में निर्मित हो रही है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप इस राशि के जातक हैं, तो आपकी नौकरी के तलाक जरूर पूरी होने वाली है। नौकरी आपको अवश्य प्राप्त हो सकती है। साथ ही जो लोग नौकरी पैसा जातक हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी मुनाफे के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अचानक से आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि हो सकती है कि किसी माध्यम से धन का आगमन आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों को चतुर बुद्धि का प्रयोग करके समय से पहले पूरा करके देंगे। आपको कोई पुरस्कार मिलने की संभावना है। यदि माता जी आपको कोई काम सौंपे तो आप उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो वह नाराज हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक रहेगी। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप एक दूसरे का कामों में पूरा साथ देंगे। भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर आप कोई विवाद खड़ा हो सकता है। परिवार में आज किसी बात को लेकर परिवार की शांति भंग होगी। संतान के लिए आज आप किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई काम आपका पूरा होने की संभावना है। आपको किसी कानूनी मामले में भाग दौड़ अधिक करनी होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी शादी, विवाह, जन्मदिन, नामकरण आदि में सम्मिलित हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग करेंगे। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा। आप यदि किसी काम को लेकर योजना बनाएंगे तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। पार्टनरशिप में काम करने के लिए आपको अपने पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी। आप अपने सहयोगियों से मन की बात को कह सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना होगा।
यदि आपने किसी बैंक व्यक्ति संस्था से धन उधार लेने का सोचा है तो वह मिल सकता है। आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपका प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मामला आज समस्या देगा। आपको व्यवसाय की योजनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको संतान के करियर की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको कुछ कामों को लेकर कठिनाइयां रहेगी। परिवार में किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बिजनेस में आप किसी योजना को लेकर कुछ उलझन में रहेंगे। यदि ऐसा हो तो आप अपने भाइयों से बातचीत कर सकते हैं। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। घर का माहौल आनंदमय रहेगा। आप यदि कोई कदम जल्दबाजी में उठाएंगे तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। आपके जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। आपको किसी छोटे छोटे वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। आप भगवान की भक्ति में लीन नजर आएंगे, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। माताजी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दे सकती है। आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर अधिक समय तक काम करने के कारण आंखों की समस्या को महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार में कोई सदस्य पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है। आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। माता पिता के साथ आप कुछ जरूरी कामों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। कार्य क्षेत्र में आपका कोई नया विरोधी उत्पन्न हो सकता है। आप अपने बिजनेस में कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो ही बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह के बाद पक्की हो सकती है। आपको कामों को लेकर कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य दोनों ही आपको भरपूर मिलेगा। आपको आपका अटका हुआ धन मिलने की संभावना है। आपकी यश व कीर्ति बढ़ेगी। आज आपका मान सम्मान मिलेगा। जीवन साथी को लेकर आप कहीं शॉपिंग पर जा सकते हैं। व्यवसाय की किसी योजना पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों में हिस्सा लेने के लिए रहेगा। आज आप कामों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ अधिक करेंगे, जिससे आपके काफी काम समय से पूरे होंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से आप सेवा सत्कार में लगे नजर आएंगे। आपको किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आपको जाने का मौका मिल सकता है। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है। आपके परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद रहेगा, जिससे माहौल अशांतिपूर्ण रहेगा। आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। आपके मन में किसी काम को लेकर निराशा रहेगी। आपको अपने परिजनों पर अत्यधिक भरोसा करना नुकसान दे सकता है। बिजनेस को लेकर यदि आपके मन में कोई आइडिया आए तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं। आप अपने बॉस से किसी बात को लेकर बहसबाजी न करें, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ सकता है। आपको अपने जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांग सकता है। आप किसी संपत्ति की खरीद फरोख्त की योजना बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।